शरीफन के बस्ती है कोनो दारू के बोतल लेके जब मुंह लगे और खत्म हो गए। सराफत से गोर झाड़ के यहां से चल जाओ वरना बेटा मारा वाला खसीटा वाला। नमस्कार, मेरा नाम है आकाश सिंह यादव और मैं आप लोग सभी दर्शकों को स्वागत करता हूं। 14 तारीख को प्रदर्शित होने वाली है फिल्म तेरे जैसा यार कहां, जो बिहार मुंबई में रिलीज होगी। 14 अप्रैल को इंडिया में, पंजाब, बंगाल, हर जगह दर्शक उसको देख सकेंगे और बेहतरीन फिल्म बनी है। इस फिल्म में किरदार जो है एक जो आम बेरोज़गार नौजवान है बिहार के, उनके बारे में कहानी है छोटी सी, कैसे भटक जाते हैं, कैसे मिल जाते हैं, उनकी कारण क्या है, सोसाइटी में उनकी जगह क्या है उसमें, लेकिन सब मनोरंजन से भरा हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम किसी को सिखा पढ़ा रहे हैं, पाठशाला चला रहे हैं कि कैसे जीना है, क्या करना है। और उसमें उसको लड़के को प्यार होता है और कैसे कैसे करके वो गांव पहुंचता है और वहां सारी घटनाक्रम के बाद कैसे अपने प्यार को हासिल कर लेता है। इस बीच में उसकी कुत्ते से दोस्ती हो जाती है, इसीलिए टाइटल है तेरे सयार कहां। और वो कुत्ता एक और इंसान के बीच के रिश्ते को जानने की कोशिश और उसकी मदद से वो कैसे प्यार को हासिल कर लेता है, कुछ ऐसी कहानी है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि बिहार के जो बेरोज़गार नौजवान हैं, जो प्रेरित होते हैं ग्लैमर से, हीरोइनों को पसंद करते हैं, चाहते हैं, उनके सपने देखते हैं, तो हम आम जिंदगी से ज़्यादा दूर नहीं हैं। आप देखेंगे वहाँ के लड़कों में जो पॉपुलैरिटी है हमारे हीरोइनों की, खास करके भोजपुरी फिल्म की हीरोइनों की। और सच्चाई ये है कि देखिए कि किसी का परवान चढ़ता है, किसी का नहीं चढ़ता है, किसकी आस दिल टूटते हैं, बहुत सारी बातें, लेकिन हम सिनेमा एक ऐसी चीज़ है जो आपको भावुक करे और आप बाहर हॉल से निकले तो अच्छा लगे आपको मन में। अंजना जी बेहतरीन अभिनेत्री हैं और उससे ऊपर मेरे ख्याल में वो बहुत अच्छी इंसान है, क्योंकि मैं एक नया लड़का हूँ और आया हूँ इंडस्ट्री में काम करने के लिए। पिताजी की जगह है, पदवी है बिल्कुल, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि सब लोग उतनी रुचि से मेरी तरफ भी आकर्षित हो, लेकिन उनका मेरे प्रति जो उनका स्वभाव जो है बहुत ही सेंसिटिव है। उसके अलावा वो ख्याल रखती हैं अपने को एक्टर का कि वो गलत नहीं कर रहा है, या वो बहुत प्यार से समझाती हैं कि ये तरीका नहीं होगा, शायद ये बेहतर है। ज़्यादातर बाहर से आए नए कलाकारों को इतना सपोर्ट या प्रोत्साहन नहीं मिलता इंडस्ट्री में इतनी आसानी से, लेकिन उन्होंने दिया, एक साथ बिठाया, एक थाली में खाए, उतना प्यार दिया, उतना स्नेह दिया, उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूँगा उनका। फिल्म में हमारे तकरीबन 4 गाने रिकॉर्ड मेरी मुझ पर फिल्माए गए हैं और चारों गाने धतिंगबाजी के हैं और कॉमेडी है और डांस है। मुझे लगता है कि ये ऑडियंसेस को जो आज के दिन में चाहिए, दर्शकों को जो चाहिए, वो हमने देने का प्रयास किया है। मैं जानवरों के बारे में, मेरे पास खुद एक पेट रखा है मैंने, जर्मन शेपर्ड है। जादू के साथ करने में काम बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि क्या होता है कि ट्यूनिंग बनाना जानवर के साथ बहुत मुश्किल है और हम वक्त के मारे हैं। कोई हिंदी फिल्म है, बड़ी अंग्रेज़ी फिल्म नहीं है कि बजट बहुत है और ये उस प्रेशर में काम करना, उस प्रेशर में अच्छा काम करके निकालना ताकि लोगों को लगे, मज़ा आए, ये बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उस पर भी हमने वो काम निकाला। इसका कारण ये भी है कि जादू बहुत ही अच्छा ट्रेंड डॉग था और उसने सारी चीज़ों को पूरी तरह करने की कोशिश की और किया भी कई बार, जो निर्देशक और निर्माता और पटकथा चाहता था। प्लैनेट भोजपुरी।